ठीक है आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से मेंशन कर लिया होगा वी डोंट हैव डैट मच टाइम कि मैं आप लोगों के लिए रोकू क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा लंबा हो जाएगा इसी कारण से आई एम नॉट डूइंग दिस So our next question is, what is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to be willful of human beings? So its answer is the author brings out the cruelty and hurtlessness of human beings towards innocent animals. The behavior of the tiger king is an indirect comment of the cruelty and hurtlessness. The astrologers has predicted the king's death will come from a tiger. ही वॉन्ट्स टू हैव अ टाइगर किल सिम्पली बिकॉज फोटोग्राफ होल्डिंग दी गन एंड स्टैनिंग ओवर द डेट टाइगर ठीक है तो अगर आप इसको भी नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन जल्दी से कर लो फटाफट ठीक है हो गया वीडियो को पॉज करके नोट डाउन फटाफट से कर लो ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजाज मिलियंस ऑफ minions of towards him do you find them truly sincere towards him or are are they driven by fear when they obey him do we find a similarity in today's political order to so, answer hoga since the maharaja existence revolved around killing 100 tiger his minions driven by fear obeyed him even the astrologer was afraid of predicting his death till Maharaja told him to speak without fear. Determined to fulfill his mission, he threatened to confiscate the wealth and prosperity of a person who dared to even fling a stone at a tiger. When the killing or 70 tigers brought with it, an unforeseen hurdle of the tiger population becoming extinct the maharaja shields the gun and insulted the diwan and ordered him right goal from a state which possesses a large number of tigers the people of india know well how to ostracized candidates what

ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू रिलेट इंस्टेंसेज ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम दैट इलस्ट्रेट कैलोसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवार्ड वाइल्ड लाइफ ठीक है क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से आंसर अब मैं आप लोगों को शो करूंगी देर हैव बीन सम इंस्टेंसेज ऑफ गेम हंटिंग इन प्रेजेंट टाइम्स इवन द एफ्लुएंट हैव बीन इन्वॉल्व इन इंस्टेंसेस दैट इलिस्ट्रेट द कर्लेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टू वर्ड्स वाइल्ड लाइफ ठीक है नोट डाउन पहले इतना फटाफट से करो फिर आगे का मैं बताऊंगी ठीक है इतना हो गया उसके बाद होगा सलमान खान सलमान खान, खान ब्लैक बक पोचिंग केस एंड एंड नौलब मंसूर अली खान पटौदी फॉर एंटेलोप केस दिस बहुत सारे इंपॉर्टेंट सलमान खान एंड नौलभ मंसूर अली पटौदी ओके स्टूडेंट्स सो so, आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आऊँगी फ्लैमिंगो विस्तर्स दोनों का एंड अगर आप चाहोगे कि आपको राइटिंग सेक्शन में का वीडियोस में आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो जल्दी से कमेंट में बताओ ऐसे तो राइटिंग सेक्शंस का मोस्टली वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप वो भी आप जा के देख सकते हो वो सारा वीडियोस भी बहुत लोगों ने देखा है उन्हें पसंद आया है तो आप लोग भी जाकर के ज़रूर से देखना और अगर आपको भी पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो ठीक है कि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मात्र